बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इकरा नवाज़, योर इंग्लिश ग्रामर टीचर। एंड टुडे इज़ 15 जनवरी 2022। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आपको नाम से पता चल रहा होगा, फ्यूचर टेंस ऐसा टेंस जिसमें आने वाले ज़माने की बात की जा रही हो, जिसमें मुस्तकबिल की बात की जा रही हो। वी ऑल नो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फ्यूचर इज़ द लास्ट वन एंड आज हम इसकी फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस विल बी ट्रांसलेटेड इन उर्दू एज फेल मुस्तकबिल मुतलिक। मीन इसमें हम आने वाले ज़माने की बात करेंगे, उस फेल की बात करेंगे जो अभी आने वाले ज़माने में होगा, मीन मुस्तकबिल में होगा। ऐसा काम जो अभी मुस्तकबिल में होगा उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस कहेंगे। जैसे अली खाना खाएगा, वो स्कूल जाएगा, हम खेलेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनमें कोई फेल एक दफ़ा, मुतलिक का मतलब होता है लामहदूद या ठहरा हुआ, मतलब जिसमें एक ही दफ़ा जो है वो फेल का करना या होना या सहना पाया जाए। इसमें आप जो है फेल को कंटिन्यू भी नहीं कर सकते और ना ही आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो है फेल आने वाले ज़माने में मुकम्मल होगा। इसमें फेल मुस्तकबिल मुतलिक होगा। पहचान इसकी क्या है? फ्यूचर का मतलब हमें वी ऑल नो फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, मीन आने वाला ज़माना। एंड देन अगर हमें एक सेंटेंस दिया जाता है तो उस सेंटेंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज़ इट। तो हमें फिक्रे के आखिर पे गा गी गे वगैरह दिया जाएगा। जैसे अभी हम इसकी एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी जो है वो डेली बेसिस एग्जांपल्स दे देती हूँ। हम स्कूल जाएंगे, वो खाना खाएंगे, आप कोई भी सिंपल सेंटेंस को जो है वो इसमें पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब दैट वी यूज़ इन दिस टेंस इज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन हेल्पिंग वर्ब। टू हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड, विल एंड शैल। अब हमें विल कहाँ पे लगाना होगा और शैल कहाँ पे लगाना होगा? जस्ट आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे और बाकी जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे चाहे प्लूरल नाउन्स, जैसे दे वो प्लूरल नाउन है और ही शी इट यू ये सिंगुलर नाउन है, इनके साथ या इसके अलावा और भी कुछ आई और वी के अलावा जहाँ भी जो भी नाउन होगा उसके साथ हम क्या लगा देंगे? विल लगा देंगे। और बाकी सबके साथ हम शैल, बाकी बचता आई और वी उसके साथ हम शैल लगा देंगे, बाकी सबके साथ विल लगेगा। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। जब हम सिंपल सेंटेंस को फॉर्मेशन उसका फॉर्मूला जब हम राइट करते हैं, स्ट्रक्चराइज करते हैं जब एक सेंटेंस को, अगर वो सिंपल हो, लाइक उसमें ना नेगेटिव बात की गई हो ना इंटरोगेटिव बात की गई हो, वो एक सिंपल सेंटेंस हो, तो उसमें हम सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल और शैल, वो डिपेंड करेगा कि हमें सेंटेंस में क्या दिया गया है। अगर तो मैं और हम का यूज़ हुआ है आई एंड वी, देन वी विल यूज़ शैल। और अगर हमारे पास ही शी इट या अदर देन इट कुछ भी यूज़ हुआ है तो हम शैल यूज़ करेंगे, सॉरी विल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल प्लस नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन लास्ट पर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फॉर्मेशन इंटरोगेटिव के लिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल और शैल,
हेल्पिंग वर्ब विल और शैल सबसे पहले आ जाएगा फिक्रे के स्टार्ट में, सेंटेंस के स्टार्ट में सबसे पहले विल और शैल आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। इसमें जैसे हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा था, वहाँ पर पहले हम सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते थे, बाकी सब में फर्स्ट लगाते थे। यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पर आपने हर सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगानी है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और ये तमाम सेंटेंस जो है वो नेगेटिव फॉर्म में है, ओके, बिकॉज हमारी ये पूरी एक्सरसाइज ही नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर सबके साथ जो है वो आपको हर फिक्रे में नहीं का वर्ड यूज़ हुआ नज़र आएगा। फर्स्ट वन इज़ पाकिस्तान सीमेंट दरामद नहीं करेगा, पाकिस्तान विल नॉट इम्पोर्ट द सीमेंट। इम्पोर्ट फर्स्ट फॉर्म एंड विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल है और उसके साथ हमने किसका एडिशन किया है, नॉट का, और साथ हमने इम्पोर्ट फर्स्ट फॉर्म लगा दी है, पाकिस्तान विल नॉट इम्पोर्ट द सीमेंट। नेक्स्ट वन इज़ दुश्मन जंग नहीं जीतेगा, एनिमी विल नॉट विन द वॉर। विन इज़ फर्स्ट फॉर्म, विल इज़ हेल्पिंग वर्ब प्लस एडिशन ऑफ नॉट। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ हमारी फौज शहरों को तबाह नहीं करेगी, आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय द सिटीज़। डिस्ट्रॉय इज़ फर्स्ट फॉर्म, विल इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस एडिशन ऑफ नॉट। आवर आर्मी विल नॉट डिस्ट्रॉय द सिटीज़। नेक्स्ट वन इज़ आज आंधी नहीं चलेगी, इट विल नॉट ब्लो अ स्टॉर्म टुडे। स्टॉर्म तूफान या आंधी, विल नॉट हेल्पिंग वर्ब विल एंड नॉट ब्लो फर्स्ट फॉर्म एंड अ स्टॉर्म टुडे। इट विल नॉट ब्लो अ स्टॉर्म टुडे। आपको पता है बारिश आंधी हवा के लिए हम इट यूज़ करते हैं, जैसे बारिश हो रही है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ रेनिंग। यहाँ पे ये का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, बट वी विल यूज़ इट। सेम हेयर, आज आंधी नहीं चलेगी, इट विल नॉट ब्लो अ स्ट्रॉन्ग टुडे। कोई सियासी जमात जुलूस नहीं निकालेगी, नो पोलिटिकल पार्टी विल टेक आउट प्रोसेशन। जब हमने पास्ट इंडेफिनेट टेंस किए थे, उसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की थी, तब भी हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ था, जुलूस निकालना। तब हमने क्या, तब भी वहाँ पर लिखा था टेक आउट प्रोसेशन। सो यहाँ पर भी जस्ट क्या, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है और फॉर्म ऑफ वर्ब, वहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट था तो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी थी, यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। नो पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट टेक आउट प्रोसेशन। नेक्स्ट, मैं आपको मदद देने से इनकार नहीं करूँगा, आई शैल नॉट रिफ्यूज़ टू गिव यू हेल्प। वहाँ अब देखिए बाकी सब सेंटेंस में क्या यूज़ हुआ है, विल, बट यहाँ पर शैल। वाई, बिकॉज हेयर वी यूज आई, मैं। आई और वी के साथ क्या लगता है, शैल, और बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल। आई शैल नॉट रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना, टू गिव यू हेल्प, आपको मदद देने से। नेक्स्ट इज डायरी। लर्न एंड राइट मैस्कुलिन फेमिनिन, पेज नंबर 152, फ्रॉम बॉय टू लॉइन। थैंक यू सो मच, स्टे।